Sorry. कुछ दिनों बाद एग्जाम है और आज ही तुझे बारिश में भीगना था। तुझे बुखार हो गया तो? बारिश क्या हर रोज आती है? एग्जाम्स भी हर रोज नहीं होते। तू आगे से ऐसे भीगना मत, समझी? भीगूंगी, फिर से भीगूंगी, और तू ऐसे ही मेरा सर पोंछ देना, समझी? इधर 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 नीना, तू क्यों लौट आई? कौन कौन है वहाँ पे? कौन है? कौन? बाबा देखो तो ये भी पांव छू रही है। चलो 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 उठो, चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, आराम से जीते रहो। चीनी आओ, संभल कर रहे, संभल के देख, एयरपोर्ट के रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगी, अब देर मत कर। हाँ, भैया से तो मिल नहीं पाया, आप उन्हें बता देना। चलता हूँ मां। बाय छुटकू, संभल कर जाना। ले छाता पकड़। हाँ दीजिए। बाय जी, बाय बाय, टाटा। एयरपोर्ट पहुंच के फोन करना।
हर साल लक्ष्मी पूजा के बाद ही लौटते हैं, इसलिए दिल भारी सा लग रहा है। वरना इन हालातों में हमें घर वालों के साथ ही रहना चाहिए था, है ना? नीना, ये सब क्या लिखा है? तुम्हारे बिना ये बारिश मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सारी जिंदगी तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। तुम दोनों के बीच ये आखिर जल क्या रहा है? क्या बेशर्मी है ये? अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मचोर हो गई हो ना? तुम्हें मैं साफ साफ बता देती हूँ, उस लड़की से तुम कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, समझ गई तुम? और अगर उसने पूछा कि क्यों? उसका जवाब मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाथ हटाओ। मैं जो कहती हूँ वो लिखो, लिखो। इस तरह की चिट्ठी मुझे अच्छी नहीं लगती। आज के बाद कभी ऐसी चिट्ठी मत लिखना नीना। हमारी दोस्ती मैं खत्म करती हूँ। I hate you. कनेक्ट नहीं हो रहा है। पापा, मम्मी कहाँ है? आप मम्मी को लेने नहीं गए? इस घर में नहीं लौटेगी बता के गई थी ना, अब अगर आना भी चाहेगी तो घुसने नहीं दूंगी। भैया, भाभी कहाँ है ये तो पता होगा ना तुम्हें? कम से कम इतना तो बता दो। पापा। चुप। अपनी माँ के लिए पापा को सताने की कोई जरूरत नहीं है।